तो आज की डेटिंग हमारी फोटोपी एप्लीकेशन के अंदर होने वाली है, तो सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लेंगे एंड उसके बाद फोटोपी एप्लीकेशन ऑन कर लेंगे। तो जिन लोगों के पास फोटोपी एप्लीकेशन नहीं है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी फ़ोटो को ले आना है इसके अंदर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि पहले नंबर पे रहेगा। तो इसके अंदर दूसरे नंबर पे ऑप्शन दोबारा से मिलेगा ओपन के नाम से, वहाँ पे क्लिक कर देना है एंड इस बार फाइल पे क्लिक कर देना है। तो गैलरी ओपन हो जाएगी, तो जो भी फ़ोटो आपने एडिट करनी होगी उसको ढूंढ लेंगे जिस भी फोल्डर में रहेगी वो, एंड ओपन कर लेना है। तो इस वाली फ़ोटो भी हमने प्रीसेट अप्लाई करके एडिटिंग करनी है, क्योंकि अगर मैन्युअली करेंगे तो इतनी परफेक्शन से नहीं हो पाएगी ये वाली एडिटिंग, तो इसलिए हम प्रीसेट का यूज़ करेंगे। तो प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिन लोगों ने डाउनलोड करना है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ कैसे इस प्रीसेट को यूज़ करना है। प्रीसेट डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, लेयर पैनल में चले जाना जो कि ये होती है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा जिसको हम एडजस्टमेंट लेयर बोलते होते हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन रहेगा कलर लुकअप के नाम से, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने इस जगह पे क्लिक करना है, छोटी सी एरो बनी होगी। उसके बाद एक और मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है दोबारा से छोटी सी एरो पे। तो इस बार लोड पे क्लिक करना है, दोबारा से फाइल पर क्लिक करेंगे, गैलरी ओपन हो जाएगी, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हमने प्रीसेट अप्लाई करना है, या तो आप फाइल मैनेजर का यूज़ करके कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड फोल्डर को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। तो प्रीसेट डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड फोल्डर में ही आती है, इसलिए हम डाउनलोड फोल्डर को ओपन कर लेते हैं एंड प्रीसेट को ढूंढ लेते हैं जहां कहीं भी होगी। तो ये वाली प्रीसेट है, डाउनलोड करने के बाद आपको यही मिलेगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अभी के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं एंड ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो प्रीसेट अप्लाई हो चुकी है एंड हमारी फ़ोटो भी कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। तो अगर प्रीसेट की वैल्यू आपको ज़्यादा लगे तो आप इसकी ओपेसिटी कम करके वैल्यू कम कर सकते हो, या फिर आप इसको डबल करके वैल्यू को डबल भी कर सकते हो। तो इन चीज़ों में मैंने पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रखी हुई हैं, अगर आपने नहीं देखे आप देख सकते हो। तो इसलिए कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एंड फ़ोटो को सेव कर लेंगे एंड वीडियो को ख़त्म कर लेंगे। तो फ़ोटो सेव करने के लिए फ़ाइल में चले जाएँगे, एक्सपोर्ट एज में चले जाएँगे, जेपैग में जाएँगे, क्वालिटी हमेशा की तरह 100% एंड सेव कर देंगे। तो फोटो बिल्कुल HD में सेव हो चुकी है, क्वालिटी का थोड़ा सा भी लॉस नहीं होगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद लाइक ज़रूर से कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर देना एंड मैंने फोटो पैक के ऊपर और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रखी हुई हैं, उनको भी ज़रूर से देख लेना। बाकी मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।